गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको वेलकम इन कॉमर्स क्लास। आज मैं आपको करा रही हूँ पार्टनरशिप थर्ड। थर्ड है पार्टनरशिप हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी जो हमारा साझेदार है यदि वो अवकाश ग्रहण करता है या उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझा रही हूँ। पहला है साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना अथवा मृत्यु। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, यानी इससे क्या तात्पर्य है कि साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, किसी साझेदार के फर्म से अलग होने को, यानी यदि फर्म से अलग होना चाहता है या अपना संबंध विच्छेद करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं बाहर जाने वाला साझेदार या साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना। ठीक है, साझेदार तीन परिस्थितियों में अवकाश ग्रहण कर सकता है। एक है अस्वस्थ होने के कारण, बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण। दूसरा है आपका अन्य साझेदार से, यदि किसी और अन्य साझेदार से झगड़ा हो जाता है तो या मतभेद हो जाता है तो उससे हटने के लिए वह अलग होना चाहता है। तीसरा कंडीशन हो सकती है मिल जाता है तो वह एक फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से कर सकता है ना। तो ये कहलाता है हमारा साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना और उसकी आवश्यकता। अब जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म के क्या दायित्व होते हैं, फर्म का क्या फर्ज होता है, दायित्व होते हैं, वो बताती हूँ आपको। कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के दो दायित्व होते हैं मेन। अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना करना, यानी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार, मान लिया तीन पार्टनर हैं ABC, इनमें से सी जो है व्यापार छोड़ना चाहता है ना, तो जो अवकाश प्राप्त यानी सी को कौन सी राशि धनराशि दी जाए, है ना, और उसे इस राशि का भुगतान करना, यानी जितना उसका ड्यूज बनते हैं उसको भुगतान करना देना फर्म का दायित्व होता है। ठीक है, तो फर्म द्वारा उसको क्या कितना पेमेंट दिया जाए ये उसके दायित्व होते हैं। ये था फर्म का अवकाश ग्रहण करना। एक होती है आपके साझेदार की मृत्यु होना। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु, दोनों ही परिस्थितियों में उसके हिस्से की रकम ज्ञात करके उसका भुगतान करना आवश्यक होता है। ठीक है, या तो मृत्यु हो जाए या अवकाश ग्रहण कर जाए तो फर्म का दायित्व होता है दोनों ही स्थिति में उसका जो भी उसका शेयर है उसको दिया जाए। ठीक है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में अंतर होता है। यानी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, व्यापारिक वर्ष जो भी होगा उसके अंत में उसको वह अवकाश ग्रहण करता है जब फर्म के अंतिम खाते तैयार होते हैं। आपको ये पता है जो फर्म के खाते बनते हैं वो साल के आखिर में बनते हैं और साल के आखिर में किसी व्यक्ति को रिटायर किया जाता है ना, ताकि खाते में कोई दिक्कत ना है तो व्यावसायिक वर्ष के अंत में उसका पेमेंट किया जाता है। लेकिन यदि अवकाश ग्रहण करने वाला करता है एक उसका जिससे उसका हिसाब करने में सुविधा हो जाती है, लेकिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, उसका कोई टाइम नहीं होता, अतः साझेदार की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की राशि की गणना साझेदारी संलेख जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा उसके आधार पर की जाती है। जो भी उसकी शर्तें होंगी लिखी होगी समय उसके आधार पर उसका धनराशि उसके उत्तराधिकारी को दी जाती है। ठीक है, तो ये था आपका साझेदारी की मृत्यु। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब कोई अवकाश ग्रहण करता है तो कौन कौन से लेखक यानी कौन कौन सी हमारी एंट्रीज होती हैं। गुडविल संबंधी लेखे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें जनरल एंट्रीज देख लीजिए। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति संबंधी लेखे, ये लेखे आप लोग अपनी एंट्री कॉपी में कर लीजिएगा, इन एंट्रीज को उतार लीजिएगा। आज सबसे पहली एंट्री है ख्याति खाता खोलने पर। जब कोई गुडविल अकाउंट खोला जाता है तो हमारी एंट्री होती है जैसे आपने पहले ही पढ़ी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सबका नाम आएगा। बींग गुडविल अकाउंट रेस्ड, हम ओपन भी लिख सकते हैं इसको,
पहली एंट्री जाएगी। दूसरी है आपकी, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और उसके खाते से उसके उससे ख्याति खाता खोला जाता है, उसके हिस्से की राशि से खाते खाता खोलने पर एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है यहाँ पर उसका नाम आएगा बींग गुडविल अकाउंट रेस्ड बाय पार्टनर। ठीक है, ख्याति खाता बंद करने पर एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग का मतलब होता है हमारा जो शेष बचे हैं साझेदार, वो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बी गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, ख्याति खाता बंद करने पर। एक एंट्री और है आपकी, साझेदार द्वारा ख्याति खाता खोला ना जाए अथवा अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार के भागों को बचे हुए साझेदार खरीद लेते हैं, यानी जो साझेदार जा रहा है उससे हिस्से उसके हिस्से को शेष साझेदार खरीद लेते हैं, तो उस समय हमारी एंट्री क्या हो सकती है। रिमेनिंग पार्टनर यानी जो बचे हुए पार्टनर्स है वो पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर परचेज बाय न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जाती है आपकी बैंक से उधार लेने पर, जब फर्म को पेमेंट देना होता है तो बैंक से उधार ले लेती है वो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी कैश टेकन फ्रॉम बैंक एज लोन। ये आपकी जनरल एंट्री है, इनको आपको कॉपी में लिखना है।